Download the Z5 app now. सबको देख रही थी पहले सुबह, वो तो बताइए हमें, जब आप नमाज पढ़ रही थी तब कोई तो आ रहा था आपके कैमरा प्रेयर्स में? मैं कबीर को याद कर रही थी। खैर, मुझे पता है कि कंप्लीटली मेरे जो नज़रिया उसके अगेंस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार इतना ज़्यादा है कि बार बार कुछ भी कर रही हूँ मुझे याद आ जाता है और मैं एक स्माइल देती हूँ। और फिर एक बहुत अच्छी शायरी बोलती हूँ जो अदनान की है, कबीर की, अदनान ने मुझे दी है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो वेरी ब्यूटीफुल शायरी, आप प्लीज़ टेलीकास्ट में देखिएगा। एक बार बोल के दिखा दीजिए। हाँ प्लीज़, हाँ अभी ओरिजिनल बोलना, अभी ओरिजिनल। सुना है मोहब्बत करने वालों की दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है। हंसते थे उन लफ्जों पर, एक जमाना था वो, आज तेरी एक खामोशी सीने में धड़कते इस दिल को हमारा ही दुश्मन बना देती है। हंस लो, एक जमाना है। वाह वाह, मैं कुछ लग गया, आई एम हैप्पी। कौन देंगे? मैं मांग रहा हूँ, कबीर मांग रहे इस्तीफ़ा देने के, क्योंकि हाँ जी हाँ, देखिए दो बार साबित करने की कोशिश हुई कि आबिदा को मजबूर किया गया, दबाव आया, मगर नहीं हुआ। और इस चक्कर में अभी क्या हो रहा है कि न्यूज़ में अहमद फैमिली का जो नाम है वो बदनाम हो रहा है, और अबू हमसे बहुत कह रहे हैं, हमें लोग कह रहे हैं, इमाम भी बात कह रहे हैं। दो बार चांसेस मिल चुके हैं, दोनों चांसेस गवा चुकी हैं वापस से, तो इसलिए हम कह रहे हैं बस इस्तीफ़ा दे दो, बात ख़त्म कर दो। ज़ारा की तरह कहीं ना कहीं मुझे कबीर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना, मैं रेडी कि मैं इस्तीफा दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आबिदा का हिसाब दिलवाऊँगी। कोशिश लास्ट की, आबिदा से भी बहुत मिन्नतें कर रही हैं जो आए जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसको कहीं ना कहीं मजबूर किया गया है, सो आई डोंट वॉन्ट कि वो किसी के प्रेशर में आके दबे या Download the Z5 app now.